वेलकम टू आवर चैनल प्रिया की राजा बाबू एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो टाइटल और थंबनेल देखकर पता कर ही लियो कि आज हम दोनों किस बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि इस टॉपिक पे हम कभी बात करेंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। तो आज हम ये जो आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि फ्रेंड्स, हमें कुछ कॉमेंट्स मिले हैं जिसके वजह से आज मैं इस बारे में बात करने पर मजबूर हूँ, तो मैं इसलिए बात करने जा रही हूँ आज, ठीक है। तो एक्चुअली कमेंट्स कुछ ऐसा आया है कि बोला गया है मुझे कि आप इसका रिप्लाई ज़रूर करना, इस बारे में बात जरूर करना, इसका जवाब जरूर देना, इसका रिप्लाई जरूर करना, ऐसा बोला है। हाँ, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे। इसलिए ऐसे भी तो ये एक जन का नहीं है, बहुत जनों का मन में कंफ्यूजन है, मन में जो है डाउट रहता है कि राजा वो को पीरियड्स होता है कि नहीं, या कोई भी टॉम बॉय हो उन लोगों का पीरियड्स होता है कि नहीं, ये सब कंफ्यूजन उन लोगों के मन में रहता है, बहुत जन का ही रहता है। हाँ। तो इसीलिए हम लोगों ने ठीक किया कि ठीक है भाई, इसके जरिए जो है सब कंफ्यूजन जो है दूर कर देते हैं आज ही। हाँ, लेकिन दूर करने से पहले मतलब कॉमेंट से यही पूछा गया था, राय जी ने जो बोला है कि राय जी का पीरियड्स होता है कि नहीं, यही पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो पूछे हो, मुझे लगता है किसी किसी लोगों को अभी भी इस बात का पता नहीं है कि एक्चुअल में टॉमबॉय होता क्या है, ठीक है। मतलब ये टॉमबॉय होता क्या है, ये बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी कन्फ्यूशन है, लोगों को शायद अभी भी पता नहीं है कि टॉमबॉय क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ठीक है, हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राय जी का पीरियड्स होता है कि नहीं, तो हम जरूर आप लोगों को मतलब ये टॉमबॉय क्या होता है, मतलब मेरा ये टॉमबॉय क्या है, मेरा जो मतलब सोच है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आज हमें पहली बार देख रहे हो, तो जी मैं बता रही हूँ कि मैं हूँ प्रिया और ये है मेरा प्यारा सा राय जी। हम दोनों के बारे में जानना है तो जी हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग से आप एक एक करके देख सकते हो और हमारे बारे में जो है जान सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो जी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ये बात मत भूलना, ठीक है। और पास में जो छोटू सा प्यारा से क्यूट सा बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच सके। तो चलो अभी हम बात करते हैं। अभी जो है सवाल का जवाब देते हैं कि पीरियड्स होता है कि नहीं, मुझे पीरियड्स होता है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, एक्चुअली मैं ये सिर्फ मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक जन का नहीं, बहुत जन का कंफ्यूजन है कि टॉमबॉय को पीरियड्स होता है कि नहीं। हाँ। तो मैं जहाँ काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ तो फीमेल स्टाफ ही ज्यादा है, उन लोगों के मन का भी ये क्वेश्चन है कि भाई मुझे पीरियड्स होता है कि नहीं, क्योंकि जब भी ये पीरियड वाली कुछ बात मतलब ऑफिस में उठता है, फीमेल स्टाफ ज्यादा है तो ये बात तो उठता ही है, वो लोग बताते हैं कि हाँ आज मुझे पीरियड्स हुआ है, आज मुझे बैक पेन है, आज मुझे ये खाने का मन हो रहा है, मेरा मन थोड़ा ऐसे चिंचिन हो रहा है, मतलब बहुत कुछ बात उठता है पीरियड मतलब उन लोगों को जब होता है तब ये सब बात करते रहते हैं। तो मैं ना उस टॉपिक में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब मेरे सामने ही हो रहा है मैं सुन रहा हूँ बस, लेकिन कभी ना कुछ रिप्लाई या कुछ एक्शन या कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए उन लोगों को भी दावा देते हैं तुमको होता है कि नहीं, एक कभी किसी ना किसी ने तो मुझे पूछ भी लिया है कि तुमको क्या नहीं होता है, तुम कुछ नहीं बोलती हो, कभी कुछ नहीं बोलती हो। तो मैं उसको ऐसे इग्नोर कर मार देता था कि हाँ क्यों नहीं होगा, ऐसे करके कुछ भी करके बोल देता था, ठीक है। तो बात यही है कि पीरियड जो है होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों को होता है, जैसे कि हर एक फीमेल्स को होता है, ऐसे भी टॉमबॉय लोगों को भी पीरियड्स होता है, क्योंकि टॉमबॉय का मन अलग है, बॉडी तो एक ही है ना, जो फीमेल बॉडी है वही बॉडी है, लेकिन उनका सोच फिर उनका जो खुद को फीलिंग्स करने का जो ये सब होता है तो वो अलग है, लेकिन बॉडी एक है, ठीक है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, टॉमबॉय लोगों को भी पीरियड होता है, मुझे भी पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम कभी ये गाली गाली थिंक जो है, कोई भी टॉमबॉय, मैं क्या कोई भी टॉमबॉय शायद कभी ये गाली गाली थिंक में कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता होगा, मैं तो नहीं करता, कभी भी मैं नहीं करता, मेरे सामने बहुत सारा टॉपिक चलता रहता है, कोई भी गाली टॉपिक हो मैं कभी हिस्सा नहीं लेता, मैं सुनता हूँ, एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान में मतलब निकाल देता हूँ, मैं कभी हिस्सा नहीं लेता। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मतलब हिस्सा नहीं ले रहा है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं कि इस टॉपिक में कुछ बात हो,
ठीक है, जो होता है होता है, सबका जैसे होता है, हम लोग का भी होता है, मेरा भी होता है, कभी कभार तो प्रिया को भी मालूम नहीं पड़ता कि मेरा पीरियड्स चल रहा है, तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं रहता है। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मुझे पीरियड्स होता है तो मेरा तो पहले 2 दिन से ही पता चल जाता है कि इनको पीरियड्स होगा अभी, क्योंकि मेरा रिएक्शन ही कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे बहुत पेन होता है, मुझे मतलब अजीब सी फीलिंग्स होते है, तो मेरे जी को पता चल ही जाते है कि प्रिया को पीरियड्स हो गए, इतना दर्द भी होते है तो। और मेरे डैडी को जब पीरियड्स होते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे डैडी को पीरियड्स हुआ है, क्योंकि इनका रिएक्शन ही कुछ ऐसा होते हैं, मतलब मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता है, पीरियड्स हो रहा है तो हो रहा है, जैसे नॉर्मल होता है हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे डेट तो मालूम है मेरे डैडी को कब पीरियड्स होते हैं, तो इस बात से हमें पता चल जाते है, बार बार ही पता चल जाता है। जैसे सब बोलते हैं कि माइंड का कुछ चेंजेस होता है, ये मेरा माइंड में कभी कोई चेंज, मैं जैसे कल था के भी जैसा होगा वैसे ही होगा, और कोई फीलिंग्स नहीं है। और तो बहुत सारे लोग मेरे आए थे तो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है, तो वहाँ पे मतलब फीमेल स्टाफ ज्यादा है, तो उन लोगों को पीरियड्स होने पे मतलब ऑफिस भी नहीं आते बहुत कोई, लेकिन मेरे आजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आजी तो उन लोगों का काम भी कर देते है कभी कभार, मतलब कभी इनको देख कर किसी को पता नहीं चलते, पता नहीं चलता है कि पीरियड्स हो रहा है या कुछ, पता नहीं चलता क्योंकि मेरा कोई रिएक्शन नहीं रहता। हाँ। बोलता नहीं कुछ, किसी को मैं कुछ शेयर भी नहीं करता कि भाई मेरा आज पीरियड्स हो गया है या मेरा 2 दिन के बाद पीरियड्स होगा, मेरा अभी पीरियड चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलता मैं। ठीक है, तो इससे उन लोगों को लगाओ कि इनको शायद होता ही नहीं होगा कि बात क्यों नहीं करता है, बात नहीं करता, बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो भी तो ये सब बात में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है सबका होता है तो उसका भी होगा। मेरा तो मेरे साथ भी ऐसा कभी भी बात नहीं, कभी मैं प्रिया को भी नहीं शेयर करता नहीं कुछ भी, और मेरा कुछ अलग से कुछ होता ही नहीं है कि मैं किस शेयर करूँ, है ना, मेरा मैं से अलग कोई फीलिंग्स होगा ऐसा कुछ होगा तब ना जाके कुछ शेयर करूँ, मेरा कुछ नहीं। और मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मतलब मेरे आजी को पीरियड्स हो गए हैं तो मुझे अजीब सी एक मतलब फीलिंग्स हो गए, अरे ये क्या है पीरियड्स हो रहा है इनको, मुझे ऐसा कभी भी कोई फीलिंग्स नहीं आया है, मुझे तो ये राजा जी दिखते हैं, राजा जी है मेरे लिए, तो मुझे ऐसा कोई भी कभी भी कोई मतलब अजीब सी फीलिंग्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे राजा जी का नहीं है, जितने भी टॉम्बॉय है दुनिया में, जितने भी टॉम्बॉय है सबका पीरियड्स होता है, ये नहीं कि मेरे राजा जी का, सारे टॉम्बॉय का पीरियड्स होता है, ऐसा कोई भी टॉम्बॉय नहीं है जिनका पीरियड्स नहीं होता है, कि बॉडी जो है सेम है, ठीक है, माइंड जो है अलग है। यही एक कॉन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन पीरियड्स सबका होता है, कोई भी टॉम्बॉय नहीं है जिनका नहीं होता है, सबका होता है, ठीक है, लेकिन सबका ऐसा ही है, मतलब मेरे आई का जैसा है, मुझे पता ही नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, वैसे ही सारे कोई भी टॉम्बॉय ऐसे ऐसे खुलम खुला ऐसे वो सब टॉपिक में बात नहीं करे, नहीं करे, है ना। हाँ। वो अपने अपने जो टॉपिक उसको अच्छा लगता है उसके ऊपर बात करे, कोई भी गाल का टॉपिक जैसे हो होता है ना, जो भी है आप लोग जानते हैं क्या क्या है, तो वो सब में इतना वो इंटरेस्ट कभी नहीं दिखेगा, अगर कोई टॉम्बॉय दिखाता है तो मुझे बोलेगा कि हाँ भाई उसको इंटरेस्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं खुद टॉम्बॉय हूँ, मैं कभी भी गर्ल का कोई भी मतलब टॉपिक में इंटरेस्ट कभी नहीं दिखा था क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी चीज कुछ कुछ किसी में भी इनका इंटरेस्ट नहीं है, कोई लिपस्टिक हो कागल हो वगैरह हो अपने आप में सब बोलते रहते, मैं इतना सुनता भी नहीं, ये भी नहीं करता, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वही सेम बात पीरियड के जैसा ही है, जब भी पीरियड किसी को होता है वो लोग बोलते रहते है, मेरे आसपास जो भी फीमेल स्टाफ है वो लोग बोलते रहते है, या प्रिया भी जब भी उसका प्रिया का होता है प्रिया बोलती रहती है, मैं कभी प्रिया को भी नहीं शेयर करता और मैं ऑफिस में तो बोल ही दिया किसी को भी नहीं पता था। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है भाई, होता है क्योंकि ये एक नॉर्मल फेनोमेनन है। हाँ। है ना, तो ये होता है, ठीक है, तो ठीक है जवाब तो मिल गया कि राजाओं को पीरियड्स होता है, जैसे सबको होता है वैसे ही, जैसे होता है वैसे भी मुझे होता है, ठीक है, हमको जैसे होता है वैसे मेरे राजा जी का होता है, बस रिएक्शन अलग होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स और क्या बोले, बस यही बात करना था, ये एक्चुअली करना था क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी करते थे, पूछते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाए थे उसमें भी एक जन ने मतलब कमेंट्स किया था कि होता है कि नहीं इसका बात, और इन लोगों को डाउट भी रहते हैं, डाउट रहता है कि हम बात करेंगे कि नहीं, पूछते हैं बात करोगे तो हम जो भी टॉपिक आप लोग बोलोगे ना खुलम खुला बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है कोई टेंशन नहीं है, जो भी टॉपिक आप को डाउट रहते हैं या कुछ जानना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो आराम से बात करो, अभी भी कमेंट करना है तो कर दो, कुछ भी टॉपिक करो, हम उस टॉपिक पे बात खुला खुला करेंगे, इसमें कोई मतलब झिझक है नहीं, कोई भी मतलब आप लोग कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है जैसे है आप लोग के सामने, हाँ जो आप लोग देख रहे हो वही है हम लोग,
हाँ, कुछ नहीं है। तो चलो अभी तो हम लोग टॉमबॉय क्या है इस टॉपिक पे जरूर हाँ, एक दिन मुझे इसके ऊपर हाँ अच्छे से बात कर देना तो रया जी। हाँ एकदम मैं बात करता हूँ टॉमबॉय की टॉपिक के ऊपर, क्या फीलिंग्स रहता है टॉमबॉय का और टॉमबॉय क्या है। ठीक है, ज्यादातर तो शायद मैं खुद टॉमबॉय हूँ तो मेरा जो फीलिंग्स होगा बाकी सब टॉमबॉय का भी सेम ही होगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन ज्यादातर जो है सेम ही होगा। ठीक है, तो ठीक है एक दिन जो है बात कर ही लेते हैं। ठीक है, सबका जो है जानकारी भी मिल जाएगा और डाउट भी क्लियर रहता है ऐसा छोटा। हम अच्छे से आप लोगों को बता देंगे। हाँ एकदम, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आज का जो ब्लॉग है तो फिर यही पे खत्म कर देते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों को तो जवाब मिल गया है। हाँ, तो हमने तो जवाब दे ही दिया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक आप सब लोग अच्छे से रहो। सबके लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।